नमस्कार, आप देख रहे हैं LNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनू चौधरी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरों पर। जमीनी रंजिश और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बागपत में एक ITBP का जवान कातिल बन गया। ड्यूटी से छुट्टी पर आए ITBP के जवान ने अपने साथी के साथ मिलकर अपने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बागपत शहर कोतवाली क्षेत्र में बीती 24 तारीख को संदीप नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। संदीप का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का चचेरा भाई निकला, क्योंकि यशपाल के छोटे भाई की हत्या भी कर दी गई थी और यशपाल को संदीप पर शक था कि संदीप ने ही उसके भाई की हत्या की है। भाई की हत्या और जमीनी विवाद का बदला लेने के लिए ITBP के जवान ने इस वारदात को अंजाम दिया। हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया जवान यशपाल रेप में भी सजा काट चुका है। 2007 में रेप के एक मुकदमे में आरोपी को 15 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद यशपाल बेल पर जेल से आया था और ITBP में भर्ती हुआ था। फर्जी पुलिस रिपोर्ट बनवाने के बाद अपना क्राइम रिकॉर्ड छिपाकर ITBP में भर्ती हो गया और 2009 से अब तक फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यशपाल ने आराम से सेना में नौकरी की थी। यशपाल ने किसकी हत्या की, क्यों की? सर हत्या होगी, वह क्यों होगा तो कोई मतलब ही नहीं, तो होगी हत्या तो होगी। क्या रंजिश चली आ रही थी? रंजिश ही कुछ नहीं, तो खत्म हुई रंजिश। क्या थी पहले? पहले की भी खत्म ही होगी, कुछ नहीं रहा तो रंजिश ही खत्म होगी, तो कुछ रंजिश नहीं रही। आपके भाई को मारा था इसने? ना, इसने भी नहीं मारा भाई को मेरे, ये छोटा हाथ जी। फिर क्यों मार दिया? बस मार दिया जी शौक में। हाँ, ITBP के जवान हो आप? हाँ। कब भर्ती हुए थे? 2009 में। तब से नौकरी करके लगातार? हाँ। पहले भी बलात्कार में जेल गया था? हाँ। पुलिस वेरिफिकेशन कैसे हुई थी? कर दी पुलिस, दरोगा ने कर दी। जानकार था जहर कान क्या कर दी उसने? अपना देखी नौकरी लगी, बढ़िया बात है ना, वो वेरिफिकेशन कर दी। लेकिन इसी बीच यशपाल के भाई की हत्या हो गई, जिसके बाद यशपाल छुट्टी पर आया और अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वह जमीनी रंजिश खत्म करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि जब तक यशपाल से हत्या के बारे में जानकारी की गई, उसने कहा कि संदीप की हत्या के साथ ही उसकी दुश्मनी खत्म हो गई है। ITBP का जवान गिरफ्तार, क्या क्राइम है इसका? ये यही बागपत थाने के पास का गांव है जिसमें एक युवक की हत्या हो गई थी 24 की रात में। पुलिस में ये सूचना प्राप्त हुई, अज्ञात में मुकदमा लिखा गया था। हम लोगों ने सभी पहलुओं की छानबीन की तो ये पता लगा कि किसी करीबी द्वारा ये हत्या की गई है और उस छानबीन के दौरान ये आया कि ITBP का एक जवान है जिसने इसकी हत्या की, जो रिश्ते में इसका चाचा लगता है। जब इससे पूछताछ हुई तो सारा राज उजागर हुआ। इसने अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार के साथ मिलकर इसकी हत्या की। जब और पूछताछ हुई तो पता चला कि जो मुख्य अभियुक्त है यशपाल वर्ष 2001 में 363, 366, 376 के मामले में जेल गया था और इस अभियोग का ट्रायल हुआ 2005 में। इसे 10 वर्ष की सज़ा 376 में, 5 वर्ष की सज़ा 366 में और इसे 2500 रुपये प्लस 500 रुपये का जुर्माना हुआ। उसके बाद इसने हाईस्कूल की परीक्षा दी। हाईस्कूल की परीक्षा देने के बाद इस सज़ा को छिपाकर ये ITBP में भर्ती हो गया और आज की तारीख में ये ITBP में नौकरी कर रहा था। वहाँ से छुट्टी पे आया था और अपने रिश्तेदार की हत्या कर दी। हम लोग इस पूरे तथ्य की जानकारी ITBP को भी ला रहे हैं उनके संज्ञान में और इसको माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। मर्डर क्यों किया था? मर्डर का कारण इसमें जो ये मुकदमा है 376 366 का, जिस पे हाई कोर्ट से बेल पे है, उसको ये शक था कि मृतक इसके बादी से मिलकर उसकी पैरवी करा रहा है और ये मामला खुल जाने पर कहीं मेरी नौकरी नहीं चली जाए और मैं जेल नहीं चला जाऊँ। अच्छा, बलात्कार का आरोपी ITBP में भर्ती हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन का सवाल है। अब इन सारे पहलुओं की जांच की जाएगी। पुराना प्रकरण है, अभी ये वर्ष 2009 में बता रहा है कि भर्ती होने के बाद, तो मैं उन तथ्यों को भी छानबीन कराऊंगा।